दोस्तों एग्जाम्स करीब है और अब टाइम आ गया है कि आप सीरियस हो जाएं। जो भी समय आपके पास बचा है उसे आप कैसे मैनेज करते हो और अगले कुछ हफ्तों में अपनी स्टडीज को कैसे प्लान आउट करते हो, वही डिसाइड करेगा कि एग्जाम डेट पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। स्टे ट्यून फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें आप इस एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। नंबर वन, किसी भी युद्ध में जाने से पहले एक रणनीति की जरूरत होती है और आपके आने वाले एग्जाम्स किसी युद्ध से कम नहीं है। सो इस महायुद्ध में जाने से पहले आपको एक रणनीति बनानी है, स्ट्रेटजी बनानी है, जिसे हम स्टडी प्लान कहते हैं। सो सबसे पहले तो कैलेंडर उठाओ और युद्ध का दिन घोषित करो, यानी मार्क करो। उस दिन से लेकर जो भी गिने चुने दिन बचे हैं उन्हें काउंट करो। इट्स ओके, घबराओ मत, काउंट करो और अकॉर्डिंगली अपने बचे हुए सिलेबस को डिवाइड करो। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सब्जेक्ट टाइम कंज्यूमिंग है, ईजी है या स्कोरिंग है, उन्हें अकॉर्डिंगली उतना टाइम अलॉट करो। यहाँ पे सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपके पास एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक हफ्ता है तो आप उस डेडलाइन को सीरियसली लो। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, चीज़ों को लास्ट मिनट के लिए मत छोड़ो एंड स्टिक टू योर स्टडी प्लान। अब आपके लिए फायदेमंद यही होगा कि हर सब्जेक्ट में जो सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जिनसे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें आप पहले कंप्लीट करो। सो इसे फिगर आउट करने के लिए आपका ब्रह्मास्त्र होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पहली बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं, मैं तो पूरी बुक पढ़ के जाऊंगा, मुझे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जरूरत ही नहीं, उन्हें मैं बोलना चाहूंगी ऑल द बेस्ट, दैट्स इट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस असल में एक टूल है जिससे आप टॉप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज तब आपका ध्यान पूरी बुक को पढ़ने में नहीं, सिर्फ वही पढ़ने में होगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपका ब्रेन लेस क्राउडेड होगा एंड आप एग्जाम के दिन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को याद रख पाएंगे। सो एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्कैन करो एंड फिगर आउट कि आपका फोकस किन एरियाज में ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 4, Prioritize sleep. Look, अगर आपको लगता है कि आप लगातार 12 घंटे 16 घंटे पढ़ोगे एंड आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, देन यू आर रॉन्ग। इससे आप मोस्टली इरिटेटेड, डिस्ट्रैक्टेड एंड बर्नड आउट फील करोगे। ब्रेन को इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, इसलिए साइंटिस्ट रेकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट्स को एक बार में सब कुछ पढ़ने के बजाय थोड़ी देर पढ़ना चाहिए, फिर एक छोटा स्लीप ब्रेक लेना चाहिए और फिर पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। यानी स्टडी स्लीप स्टडी। इसके लिए आप आफ्टरनून में बस 30-45 मिनट्स के लिए सो जाओ और रात में भी प्रॉपर स्लीप लो, 6-7 आवर्स एटलीस्ट। इसके मल्टीपल फायदे हैं। आप जब भी सोकर उठोगे रिफ्रेश्ड एंड रिचार्ज्ड फील करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन कर पाओगे एंड नेक्स्ट डे आपको चीज़ें रिकॉल करने में भी आसानी होगी। बट वहीं अगर आप रात भर पढ़ने की कोशिश करो तो नेक्स्ट डे आप टायर्ड फील करोगे, जिससे आपका ब्रेन फोकस नहीं कर पाएगा और आपको स्टडी मटेरियल भी ठीक से याद नहीं होगा। नंबर 5, डी स्ट्रेस। एग्जाम स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, बट अगर आप स्ट्रेस के ट्रैप में फंसोगे तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। स्ट्रेस आपकी बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज करता है, जिससे ब्रेन के लिए इंफॉर्मेशन याद रखना मुश्किल हो जाता है। सो डोंट स्ट्रेस अबाउट एग्जाम्स, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो और रिजल्ट की टेंशन एग्जाम के बाद के लिए छोड़ दो। स्ट्रेस कम करने के लिए अगेन टेक प्रॉपर स्लीप। स्लीप इज वाइटल फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। ऑल्सो मूव, अगर एक्सरसाइज ज्यादा लगे तो जस्ट गो फॉर अ वॉक, गेट सम फ्रेश एयर एंड लेट योर सेल्फ रिलैक्स। किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी आपकी एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करेगी एंड इससे आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी। लास्ट जो सबसे क्रिटिकल टिप है वो है एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन टेक्निक। अगर आप री रीडिंग और हाईलाइटिंग वाली मेमोराइजिंग टेक्निक्स यूज करते हो, देन लेट मी ब्रेक इट टू यू, ये टेक्निक्स बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्चर्स कहते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए चीज़ों को याद रखना चाहते हो, देन यूज एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन टेक्निक। इन टेक्निक्स को मैंने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप इसे ज़रूर देखें। ये साइंटिफिकली प्रूवन है एंड दिस विल हेल्प यू स्टडी स्मार्ट
एंड स्कोर बेटर इन एग्जाम्स।